अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से ई दिशा केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल को लेकर प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था तो की गई है, लेकिन सर्वर डाउन होने हड़ताल के चलते लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। आने वाले लोगों का कहना है कि वो पिछले 5 दिनों से केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जरूरी कागजात उन्हें नहीं मिल रहे हैं। वहीं कालावाली में भी कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल के चलते लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। ज़्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। किसानों को अपनी जमीन संबंधी कार्य करवाने व सरसों बेचने के लिए निर्धारित कागजातों के लिए भटकना पड़ रहा है। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर अभिषेक के साथ कालावाली से चानन सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। सारे कार्यालय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आम लोग जिहड़े जिन्होंने सरों बेचनी है वह भी इतने डेली आ के धक्के खा के पड़ते हैं। जिमीदार बुरी तरह परेशान है, असं भी बुरी तरह परेशान। आम जनता बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मतलब ऑपरेटर की हड़ताल से सरकार या प्रशासन की तरफों कोई भी यह कदम नहीं चुके जिहड़े जिमीदार या आम जनता के हक च। प्रशासन भी बुरी तरह फेल है, सरकार भी बुरी तरह फेल है। इस मामले असी साढ़े कहीं रोष है भी सरकार भी कोई कदम चुके ऑपरेटर की जी कोई जायज मंग है। फर्द कटवानी। अच्छा, क्या दिक्कत आई जहाँ पे जी? गिरद्वारी बनवानी है, ऑपरेटर ना आने की वजह बड़ी समस्या आ रही है जमींदारा में। अच्छा, कितना दिन सरकार सर से लिया तो बिंग मत तो 10 तारीख हो गया, 5 महीने की 10 तारीख तक खरीदारी हुई। बिना कणक की जी है भी मंडियां लागड़ी बिया भी बड़ी परेशानी हो रही है। जिगिया कोने ने जिला रखे अभी तो बैठे है अभी के भी रुखद खुले हड़ताल का तो है ही नहीं कोई ऑपरेटर चलाने वाले है और ना चलाने को नहीं तहसीला रखे दिए सब मुझे मिलिया कोने ने।